रहमतुल्लाह जब छोटे थे तो उन्होंने कुछ गाने वालों को देख लिया, वो बड़े मुतासिर हुए और उन्होंने अपने जिंदगी का एम बना लिया। इमाम मालिक जानते ना, जो बहुत पाए के जो इमाम, चार इमाम बोलते उसमें से एक है, तो इन्होंने अपना एम बना लिया, मैं सिंगर बनूंगा। इमाम मालिक सिंगर बनना चाहते थे। उनकी वालदा ने जैसी सुना कि मेरा बेटा ये चाह रहा है, वो बड़ी परेशान हुई। फिर उन्होंने प्लान किया, देखिए माँ है, बच्चे को जानती, माँ बच्चे की नफ्सियाती जिसको कहेंगे ना, वो सब जानती कैसे। तो उनकी वालदा ने प्लान किया, क्या प्लान किया, उन्होंने कहा सबसे पहले तो मैं इमाम मालिक को, मतलब मालिक को, अपने बेटे को ऐसे कपड़े पहनाऊंगी जैसे उलमा वगैरह उस जमाने के पहनते थे, ताकि वो उनसे मुतासिर हो, उनका लिबास चूंकि उस तरफ वो करेंगे। पहला काम लिबास वो किया। उसके बाद वो खुद जाया करती इमाम मालिक को लेकर और इल्म की फजीलत बताती थी, उलमाओं की मजलिस में ले जाती, मस्जिद नबवी में ले जाती, और इमाम मालिक जब तक पढ़कर आते बाहर बैठी रहती कि मेरा बेटा बाहर आएंगे पढ़। जब पढ़ के आते थे इमाम मालिक से पूछती क्या क्या पढ़े आपने, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह बताते मैंने आज ये पढ़ा, आज ये सीखा, फलां सीखा। उसके बाद उनकी वालदा कहती कि स्कूल के बाद भी, मदरसे के बाद भी मेरे बेटे थोड़ी देर जरा इनके साथ बैठना है उलमाओं के, तुम्हें इल्म हासिल होगा। और उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं अल्लाह ने मेरा दिल बदल दिया। जब छोटे थे तो उनका वो एम था, दिल बदल दिया और वो वहां से निकल कर क्या बन गए, इमाम मालिक बन गए, जिनको आप सब जानते हैं, समझ रहे। इन्होंने मुअत्ता लिखी, जो हदीस की पहली कंपाइल्ड बुक थी, और ये बहुत पहले बुखारी से पहले लिखी, बुखारी ये बात अलग है कि मशहूर है, लेकिन मुअत्ता उससे पहले लिखी गया थी, मुअत्ता इमाम मालिक, समझ रहे, इमाम मालिक। और एक पूरा एक बड़ा मसला कौन से चलता है, तो आप देख रहे हैं माँ की कोशिश अपने बच्चे के लिए। दूसरा एक छोटा सा वाक़ा जो है इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह का। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह बहुत गरीब खानदान से थे और यतीम थे, इनके वालिद का इंतकाल हो चुका था। इनकी वालदा को बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा बच्चा कुछ दुनिया में करे। इनका नाम मोहम्मद था, ठीक है, तो अपने बेटे मोहम्मद से वो कहा करती थी कि मोहम्मद तुम्हें पढ़ना लिखना है। जब मोहम्मद मदरसे जाते तो मदरसे में फीस का सिस्टम था, वो स्कूल जब उस जमाने का स्कूल, तो उन्होंने कहा कि वालदा टीचर फीस मांगते हैं, तो कहा कह दो फीस नहीं है। उनकी वालदा ने स्कूल में जाके कहा कि मैं मेरा बच्चा फीस नहीं दे सकता, पीछे बिठाऊं। अब फीस नहीं देने वाले बच्चे को तो कोई सामने तो नहीं रखेंगे, स्कॉलरशिप थी नहीं, वो पीछे बैठते थे इमाम शाफ। और उनकी वालदा रात में निकलती थी और जाकर लोगों के घर में से जो कचरा फेंका जाता उसमें से पेपर चुनती थी, क्योंकि बुक बनाने को था नहीं, वो पेपर चुनती, स्याही जो लोगों के पास बाजारों के अंदर जमा होती, जो वेस्ट होती थी, वो स्याही जमा करती थी और इमाम शाफी को लाके देती थी कि मोहम्मद इससे लिखा करो, इससे पढ़ा करो। इमाम शाफी जब जाते थे, ठीक है, तो मदरसे में पीछे बैठते थे क्योंकि आगे जगह नहीं थी, पेपर बहुत थोड़े और लिमिटेड होते थे, खत्म हो जाते थे। आके कहने लगे पेपर खत्म हो जाते हैं, और मैं को चार स्टूडेंट तो हूँ नहीं, मतलब इस सेंस में कि कोई मालदार आगे नहीं बैठता हूँ, पीछे मुझे रखा जाता है, तो मैं क्या करूँ। तो उनकी वालदा नसीहत की कि बेटा एक काम करो, तुम अपनी मेमोरी पर रिलाय करो, लिखना छोड़ दो तुम चक। और यही इमाम शाफी की हाफिजे का जो है राज था। इमाम शाफी रहमतुल्लाह की हाफिजे की खसूसियत ये थी, आप एक बार किसी चीज़ को पढ़ते तो दोबारा कभी ज़िंदगी में पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, याद कर लेते थे बाय हार्ट, चूँकि लिखने के मीन्स और मीडियम नहीं थे उनके पास। तो देखिए माँ, वालिदैन, बच्चे के अंदर सोच, किसी को सिंगर बनना है तो किसी को हकाल दिया जा रहा तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इनकी माओं ने जब कोशिश की, जबकि इमाम शाफी को तो वालिद भी नहीं थे, यतीम थे यादर, तो आप देखिए वो इमाम शाफी बन के, मोहम्मद बिन इदरीस, ये बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़ी शख्सियात है, उस जमाने की आज के दौर की मिसालें बहुत हैं। तो हमें रियल सेंस में हसास होकर अपने बच्चों की बहुत फिक्र के साथ, बहुत संजीदगी के साथ प्लान करके, रातों रात कुछ भी होने वाला नहीं है, फिर वो फिल्मों के दौर में मत चले जाइए, रियलिटी बहुत अलग होती है। बीज लगाने के बाद 6 महीने बाद पौधा आता है, साल भर बाद फल आता है, फिल्मों में डालते बीज निकल गया, कटाई हो गई, मालदार बनते नहीं होता रियल लाइफ में। अब आपको चॉकआउट करना पड़ेगा प्लान, क्या प्लान है हमारा बच्चों के लिए, उसके बाद उसको कैसे एक्सीक्यूट करेंगे। आपके सोशल स्टेटस, आपका सामाजिक मामला, आपका रिश्तों का क्या मामला है, समाज में आप कैसे रहते हैं, वो सब चीज़ों को देखते हुए कितनी बुराई है और उसमें कितना आप पकड़ सकते, गिरफ्त रख सकते, उतना करना है। बस इस बात को मेरी हमेशा याद रखिए, बच्चों को उतना खींच के रखिए कि बस वो रिलेशन ब्रेक नहीं होना, बस जैसी ब्रेक होना तो उधर ढील छोड़ देना, फिर वापस खींच के लाना, फिर लगता ब्रेक होता फिर छोड़ देना फिर लाना, आप देखेंगे धीरे धीरे आप उनको ट्रैक पे ला लेंगे, अगर वो बिगाड़ में है। और अगर अल्लाह ने ये आपको जिसको कहेंगे ये नेमत दे रखी कि आपके बच्चे वाकई में कुरान और सुन्नत पर और ट्रैक पे हैं, तो आप शुक्र मनाइए, अपने एक्सपीरियंसेस को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, कैसे आपने वो किया, दूसरों के बच्चों के बिगाड़ को देखकर इस्लाह के उनके वालदैन को कीजिए, ताकि हमारे बच्चे हो। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।